राजधानी भोपाल में मजदूर दिवस पर पीसी शर्मा ने धरना दिया। महामारी के लिए किए गए सरकार के फैसलों का विरोध वो कर रहे हैं। 18 प्लस का वैक्सीनेशन शुरू ना होने पर धरना दिया है पीसी शर्मा ने। कांग्रेस जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा के साथ कई नेता धरने पर बैठे हैं। मजदूर दिवस पर पीसी शर्मा ने धरना यहां पर दिया है। महामारी में लिए गए सरकार के फैसलों के विरोध में वो यहां पर धरना कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना काल में लगातार बिगड़ते हालातों को लेकर कांग्रेस अब गांधीगिरी तरीके से कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त पीसी शर्मा जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं और साथ में जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कैलाश मिश्रा समेत कांग्रेस के जो नेता हैं वो कोविड नियमों का पालन करते हुए धरने पर बैठे हैं। जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, अव्यवस्था हो, ऑक्सीजन हो, रेमडेसिविर हो, इसको लेकर जो परेशानियाँ लगातार बनी हुई हैं, यही कारण है कि कांग्रेस ने मोर्चा खोला है और गांधीगिरी तरीके से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पीसी शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। सर, आखिर क्या कारण रहा आपको धरने पर दोबारा बैठने दिवस है? मजदूरों का दिन पूरा विश्व मनाता है, लेकिन आज मजदूरों की हालत होगी, 60,000 से ज़्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं भोपाल मंडी द्वीप में, कोई काम नहीं है। राशन के नाम पे एक दाना नहीं मिला है। राशन जब देते हैं तो बाजरा देते हैं जो कोई खा नहीं पाता। कोरोना और भुखमरी से मजदूरों की मौत हो रही है, जान जा रही है। एक तरफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। 1 मई को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 18 साल से ऊपर के युवाओं को वैक्सीन लगेगी, वो केवल बंगाल चुनाव के लिए घोषणा थी। आज मध्य प्रदेश में लगना था, नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री ने कह दिया हमारा वैक्सीन नहीं है। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी नहीं लग रहा। वैक्सीन नाम की चीज़ नहीं है, जो कि बचाव है कोरोना से, ये प्रबंध है मध्य प्रदेश की सरकार के। और ऊपर से उत्सव मना रहे थे उनको जो कोरोना से ठीक हो गए हमीदिया में, बोले 2 तारीख को छुट्टी होगी, बेड बदल दो, जो मरीज आते वो और रुक गए, उत्सव मनाएंगे। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट और ऊपर से मीडिया हेडलाइन बनाना, यही काम कर रही है। आज भी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के रोज़ मेरे पास सुबह शाम लोग आते हैं कि इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, ये हालत इनने कर दी है। और जो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे थे उसकी मैं निंदा भी करता हूँ। इसलिए हम धरने में बैठे हैं कि न्याय करें मध्य प्रदेश की जनता के साथ, भोपाल की जनता के साथ। आज विश्वास सारंग का कहना है कि सिर्फ जो आप है जो धरना कर रहे हैं सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं है, ये जनता की बात उठाने कैसे उठाएं कोई। हमने इसलिए चौराहे पर धरना नहीं दिया, ये हमने कोई जुलूस नहीं निकाला, ये कोरोना प्रोटोकॉल के तहत घर पे महात्मा गांधी की फ़ोटो लगाकर प्रणाम कर रहे हैं कि महात्मा जी कुछ ऐसा आशीर्वाद मिले कि मध्य प्रदेश की जनता इस कोरोना से भुखमरी से बचे। प्रदेश सरकार तो कह रही है कि हवाई मार्ग से सेना ला रही है ऑक्सीजन, ट्रेनों के माध्यम से आ रही है, तो ऑक्सीजन की जितनी सेना को सौंप दो, इनके बस की नहीं है, प्रशासन फेल हो चुका है। सेना को सौंप दो सब कुछ, आपके बस की नहीं है, मैं पहले दिन से मैं कह रहा हूँ। कैमरा पर्सन विजय सेजकर के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज़।